प्रिय विद्यार्थियों, ये वार्षिक मूल्यांकन हेतु अभ्यास प्रश्न पत्र है कक्षा 5 का, विषय हिंदी विशिष्ट का, और ये सैंपल 3 है। और ये जो प्रश्न पत्र मैं बता रहा हूँ, इन्हीं में से प्रश्न आएंगे परीक्षा में। इसीलिए चूंकि इस बार बोर्ड परीक्षा हुई है, तो किस प्रकार से प्रश्न आएंगे, तो ये प्रश्न पत्र बोर्ड ने जारी किए हैं और इन्हीं में से अधिकांश प्रश्न आएंगे, इसलिए इनको पूरी तरह से हल कर लें। इसमें प्रश्नों की कुल संख्या 14 है, समय 2.5 घंटे, पूर्णांक 70 एक जैसे हैं सभी में। निर्देश हैं, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। नंबर 1 है, दिन का विलोम है। दिन का विलोम है अ, प्रातः, दिवस, शाम, रात। नंबर 2, छापामार युद्ध प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। संभाजी ने, शिवाजी ने, शाहजी ने, तानाजी ने। नंबर 3, देश के समुद्री तटों और समुद्री सीमाओं की रक्षा करती है वायुसेना, थल सेना, नौसेना, बाल सेना। देखो, समुद्री शब्द आया है तो ये है किसके लिए, नौसेना के लिए, और वायुसेना आकाश में करती है, थल सेना जमीन पे करती है। ये बाल सेना शब्द अलग है, सेना के ये 3 भाग हैं, वायुसेना, थल सेना, नौसेना। नंबर 4, ग्राम स्वराज का सपना था नेहरू जी का, गांधी जी का, सरदार पटेल का और डॉक्टर अंबेडकर जी का। कोई एक जो सही है वो सही करना है। प्रश्न नंबर 2, कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे खालिस्तान कहते हैं, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। नंबर 2, खालिस्तान पर शीश चढ़ाने जिस पद जाए वीर अनेक, तो यहाँ आएगा मातृभूमि या जन्मभूमि। नंबर 3, लंका के दूत के आने पर बीरबल ने फौरन खालिस्तान बजाई, ताली या डुगडुगी। नंबर 4, रधिया तुम इन लड़कियों को खालिस्तान क्यों नहीं भेजती हो, काम पर या शाला में। प्रश्न नंबर 3, उज्जैन की वेधशाला क्यों बनवाई गई। प्रश्न नंबर 4, गौतम बुद्ध की वाणी कहाँ गूंजती है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों के एक एक पर्यायवाची लिखिए, मित्र, गणेश, पेड़। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखिए, गदगद होना, दांत खट्टे होना, छूमंतर होना। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों में प्र उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए, बल, शासन, गति। देखो, प्र उपसर्ग बनाएंगे तो क्या होगा, बल का होगा प्रबल, शासन हो जाएगा प्रशासन, और गति का हो जाएगा प्रगति। प्रश्न नंबर 8, अपनी पाठ्यपुस्तक की किसी कविता की 4 पंक्तियां लिखिए। ये अब प्रश्न नंबर आ रहा है 9, और इसके पहले प्रश्न आया था 8। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, समाचार पत्र आज के मानव जीवन का आवश्यक अंग बन गया है, यह ज्ञान वृद्धि का साधन है, इससे नई नई बातों की जानकारी प्राप्त होती है, समाचार पत्रों में केवल अपने देश की ही खबरें नहीं छपी होती, वरन दूसरे देशों की खबरें भी छापी जाती है, इस प्रकार एक देश का निवासी दूसरे देशों की जानकारी प्राप्त करके एक दूसरे से जुड़ जाता है, इसलिए कहा गया है, समाचार पत्र समाज का दर्पण है, इनमें खेल समाचार, फिल्म संसार, कहानियाँ तथा अन्य मनोरंजक बातें छपी होती है। नंबर 1 है, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। नंबर 2, समाचार पत्रों के लाभ बताइए। प्रश्न नंबर 10, पातालकोट पहुंचने के मार्ग में पथिक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, अथवा युद्ध के समय नौसेना क्या क्या कार्य करती है। प्रश्न नंबर 11, अपने भाई की शादी में जाने हेतु अवकाश के लिए अपने प्रधान अध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखिए, अथवा परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने पर अपने मित्र, सहेली को बधाई पत्र लिखिए। प्रश्न नंबर 12, बुद्धि का फल अथवा ईदगाह
कहानी में से किसी एक कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। और ये प्रश्न 12 का अथवा है, हम भी सीखें अथवा पन्ना का त्याग, कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 10 पंक्तियां अपने शब्दों में लिखिए। पहला है मेरा विद्यालय, दूसरा विज्ञान का महत्व, तीसरा मेरा प्रिय त्यौहार और नंबर 4 है स्वच्छ भारत। संस्कृत खंड है प्रश्न 14 का पहला, कोष्ठकात उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अ तथापि न भवित खालिस्तान है श्वेतः अश्वेतः। ब वायुः खालिस्तान अस्ति सर्वत्र या कुत्र। नंबर 2, प्रश्नानाम एक पदेन उत्तराणि लिखत, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। अ वर्षे कति मासा, ब कः श्वेतः वर्णः, स दीपावलिः कस्मिन् मासे भवित। तो ये 3 प्रश्न हैं और आपने देखा ये प्रश्न पत्र कक्षा 5वीं का हिंदी विशिष्ट का सैंपल 3। इस प्रश्न पत्र की PDF की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से इस प्रश्न पत्र को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।